Good morning, students. Standard 5 computer subject chapter number 2. बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 में कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू पढ़ रहे हैं, ठीक है. वी लर्न अबाउट कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू. देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, एएलयू, सीयू एंड एमयू. ठीक है, हमारा चैप्टर ही क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, द सीपीयू, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरी सिस्टम का सेंट्रल मेन पार्ट क्या है, सीपीयू. इट्स आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारे में ब्रेन होता है ना, जो सारे काम करता है, इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में कौन काम करता है, सीपीयू. ठीक है, तो देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ कंपोनेंट इन सीपीयू, एएलयू, सीयू एंड एमयू. वी ऑलरेडी लर्न एएलयू एंड सीयू. ALU मतलब arithmetic logic unit and CU मतलब control unit. All the components on all the devices are controlled by the CU. All calculation, all arithmetic functions, all logical functions, all logical conditions are calculated by or calculator in ALU. ठीक है, ALU से calculate होता है या ALU के अंदर calculate होता है. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है, इतना क्लियर है. अभी आज हम एक नया चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 भी हम स्टार्ट करेंगे. तो उससे पहले हम ले लेते हैं, एक हमारा छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया था चैप्टर नंबर 2 का, जो है एमयू मेमोरी यूनिट. कौन सा है, एमयू मेमोरी यूनिट. ठीक है, जो तीसरा कंपोनेंट है सीपीयू में, सीयू, एएलयू और एमयू. तो एमयू के बारे में हमें थोड़ा जानना बाकी रह गया था, तो आज हम पहले वो लेते हैं, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द डेटा एंड ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्या है, स्टोर ऑल द डेटा डेटा प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, हम कुछ भी कंप्यूटर में कुछ भी डेटा देते हैं तो उसको स्टोर करना, ठीक है, उस डेटा पे प्रोसेस करने का, पर वो डेटा को पहले स्टोर तो करना पड़ेगा ना, उसको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम से ये काम करना है. तो वो सब कुछ स्टोरेज कहाँ होता है, एमयू में होता है. कहाँ होता है, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट में. द कंट्रोल यूनिट रिसीव इट, सेंड इट टू मेमोरी. द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर डेटा टू द एएलयू, प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय एएलयू इज रिसीव बाय द कंट्रोल यूनिट अगेन एंड देन गिव द मैसेज. ठीक है, अब कैसे प्रोसेस होता है कि जैसे कि आपने कीबोर्ड में से कोई मैसेज दे दिया, ठीक है, कीबोर्ड में से आपने कोई मैसेज इनपुट करवा दिया, मैसेज इनपुट, तो क्या होगा, सबसे पहले किसमें जाएगा, सीयू में. किसमें जाएगा, कंट्रोल यूनिट में. फिर उसमें से वो क्या है, उसको स्टोर करना है या फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है. तो यहां से दो पार्ट आते हैं कि आपको कैलकुलेशन करना है तो आप एएलयू में जाओ, आपको स्टोर करना है तो आप एमयू में जाओ. ठीक है, ये प्रोसेस हो गया. फिर से अगेन प्रोसेस होने के बाद डेटा किसमें आता है, सीयू में आता है. किसमें आता है, सीयू में, कंट्रोल यूनिट में. ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कैलकुलेशन करने के बाद स्टोर करना होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने 5 + 5 = 10 लिख दिया, तो अब 5 + 5 होने के बाद मुझे स्टोर करना है, तो एएलयू में से वो फंक्शन कहाँ जाएगा, फिर से सीयू में जाएगा. ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप. सीयू में से फिर से वो कहाँ जाएगा, एमयू में, मेमोरी में, क्योंकि वहां स्टोर करना है. ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, मेमोरी चेकिंग.
और फिर आप लिख दो यहाँ पे स्टोर। क्लियर है इतना? देखिए फिर से एक बार, जैसे कि हमने सबसे पहले कीबोर्ड में से दे दिया कि भाई 5+5, तो सबसे पहले कौन एक्टिव होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन मिल गया, कौन सा इंस्ट्रक्शन मिला है? कैलकुलेशन का। वो कौन तय करेगा? सीयू। फिर कैलकुलेशन कौन करेगा? एएलयू। कौन करेगा? एएलयू। फिर एएलयू से फिर से कहा जाएगा सीयू में उसका आउटपुट देने के लिए, मतलब मॉनिटर पे। फिर अगर उसको सेव करना है, फाइल को हम सेव करते हैं, सेव करना तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फाइल को सेव करना है तो फिर से कौन सी मेमोरी एक्टिव होगी, कौन सा यूनिट एक्टिव होगा? एमयू। क्लियर है इतना? दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि हमने वो पेन ड्राइव लगा दिया है, फिर फोटो लेने हैं तो पहले वो चेक करेगा कि मेमोरी फ्री है कि नहीं, स्पेस है कि नहीं, ठीक है। वो चेकिंग का काम कौन करता है? एमयू। फिर क्या होगा कि मेमोरी स्पेस है, ठीक है, तो फिर उसको फोटो को कॉपी करने देगा या फिर फोटो में कुछ भी एडिटिंग करना है तो वो करने देगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी यूनिट भी वर्क करता है। अल्टीमेटली ऑल द यूनिट्स आर वर्क टुगेदर एंड क्रिएट अ प्रोसेसर, ठीक है। ऑल द यूनिट, सारे यूनिट्स इकट्ठा मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोसेसर, प्रोसेस तैयार करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हमने आज पढ़ा है एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। ऑल द डेटा प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन स्टोर इन अ एमयू, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन। स्टोर इन अ एमयू। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है द सीपीयू वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि ये सब स्टोर तो होता है पर कहाँ स्टोर होता है? हम ऐसा बोलते हैं कि मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, पर कहाँ स्टोर होता है, कौन से डिवाइस में स्टोर होता है, वो डिवाइस का नाम क्या है, वो हमें जानना है। तो अब हम यहाँ से ही चैप्टर नंबर 2 को यहाँ खत्म करके आगे चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं, जो है स्टोरेज डिवाइस के बारे में। क्या है स्टोरेज डिवाइस? हमने बोला कि मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है, पर वो कौन से फॉर्म में स्टोर करता है, कहाँ स्टोर करता है, वो सब हमें जानना है। हमने 3 कंपोनेंट तो देख लिया कि भाई कैलकुलेशन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, पर स्टोर कौन से फॉर्म में करेगा, कौन से डिवाइस में करेगा, वो अब हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। इतना क्लियर है? चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव ऑन, चैप्टर नंबर 3 इज स्टोरेज। चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज मतलब कौन से फॉर्म में हम उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम सब स्कूल में वाटर बॉटल लेके आते हैं, ठीक है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो हमें कैसे पता चलता है? तो उसकी साइज देख के पता चलता है कि ये वाटर बॉटल छोटा या बड़ा है, ठीक है। फिर उसमें पानी पानी भरते हैं या जूस कुछ भी हम डाल के लेके आते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, ज्यादा होती है या कम होती है? अगर
हमारा वेसल है, बॉटल है, वाटर बॉटल, वो बड़ी होगी तो ज्यादा पानी आएगा, छोटी होगी तो थोड़ा कम पानी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करवाना है तो कौन से डिवाइस में करेंगे तो ज्यादा डेटा स्टोर होगा, कौन से डिवाइस में करेंगे तो कम डेटा स्टोर होगा, कौन से डिवाइस में डेटा डालेंगे कि फास्ट डेटा स्टोर होगा, कौन से में टेम्पररी डेटा स्टोर होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, ठीक है। दूसरा एक बात बताते हैं हम कि जैसे कि हमने पानी भर दिया है वाटर बॉटल में, तो मम्मा पूछती है कि कितना पानी डाला, तो हम बोलते हैं थोड़ा, ठीक है। पर हम चॉकलेट लेने जाते हैं या चलो वाटर बॉटल नहीं खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक वाटर बॉटल चाहिए, ठीक है, जो पसंद आए वो एक चाहिए। कभी कभार दो भी ले लेते हैं, चलो दो ले लेते हैं, दो भाई है, दो बहने हैं, भाई बहन है, पर हम क्या बोले एक, तो एक क्या हुआ, वन, वन क्या हुआ, हमारा यूनिट हुआ, क्या हुआ, यूनिट। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं, क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे कि वाटर बॉटल की हम बात करें तो 500 ml मिलीलीटर, देन लीटर, ऐसे आता है ना, ठीक है, ग्राम, फिर किलोग्राम, ऐसे हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो ऐसे यूनिट भी कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज क्या है वो पता चल गया, फिर से एक बार, स्टोरेज ऑफ डेटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन इन अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज इन मेमोरी। दिस डेटा कुड बी अ टेक्स्ट, पिक्चर, इवन और साउंड फाइल और अ वीडियो फाइल, ठीक है। इतना क्लियर है, स्टोरेज क्या है, तो स्टोर डेटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू स्टोर डेटा डिवाइस कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जिस डिवाइस में डेटा स्टोर होता है उसको हम कॉल क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि हम कीबोर्ड से डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं, तो कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस। जैसे कि हम ये मॉनिटर है तो मॉनिटर में से डेटा देखते हैं, मॉनिटर पे डेटा देखते हैं तो वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो इसी तरह से सेम वे जिस डिस्क में, जिस डिवाइस में हमारा डेटा स्टोर होता है वो क्या है, स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि वाटर बॉटल तो वो हमारा क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस। लंच बॉक्स क्या हुआ, हमारा स्टोरेज डिवाइस, जो हमारा लंच कैर करता है या फिर हम उसमें कैरी करके लाते हैं, क्लियर है। हमारी स्कूल बैग जिसमें हम बुक्स डाल के लाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस, क्लियर है। जिसमें आप कोई भी चीज कैरी कर सकते हो वो सब क्या कहलाएगा, स्टोरेज डिवाइस। तो सेम वे इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस टू स्टोर अ डेटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, क्लियर है इतना, इट्स कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। अब उसमें आगे थोड़ा चलते हैं, जैसे कि मैं ड्राइंग बनाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ, पहले रफ स्केच बनाती हूँ, रफ बुक में ऐसे प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं फेयर में लिखती हूँ। मैं हर हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि पहले मैं जो भी पढ़ के आती हूँ वो रफ स्केच रफ में लिख देती हूँ, रफ नोटबुक में, फिर अच्छे से समझने के बाद उसको मैं फेयर नोटबुक में लिखती हूँ। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस या फिर स्टोरेज टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, जो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। देयर आर टू काइंड ऑफ स्टोरेज एरिया,
देयर आर टू काइंड ऑफ स्टोरेज एरिया ठीक है कितने हैं दो कितने पार्ट है दो है पहला है प्राइमरी मेमोरी यहां पे हम ऐसे ग्राफ जैसे कुछ बना देते हैं चलो प्राइमरी मेमोरी पहला क्या है प्राइमरी मेमोरी ठीक है दूसरा कौन सा है सेकेंडरी मेमोरी वी डिवाइड स्टोरेज इन टू टाइप्स और टू काइंड ऑफ एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी मेमोरी सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी अब प्राइमरी मेमोरी में कौन से डिवाइस आएंगे प्राइमरी एरिया में ठीक है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल और ये क्या है एक्सटर्नल अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है वो पता है ठीक है बता देती हूँ चलो जो इनबिल्ट होता है मतलब हमारे मोबाइल में इनबिल्ट डेटा स्टोरेज आता है इंटरनल स्टोरेज ठीक है वो हमारा क्या हुआ इंटरनल मेमोरी और अगर वो मेमोरी फुल हो गई तो मेमोरी कार्ड अलग से डलवाते हैं तो वो क्या हुआ एक्सटर्नल मेमोरी क्लियर है इतना इंटरनल मेमोरी जो बाय डिफॉल्ट आता है एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जो हम अलग से अटैच कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरनल मतलब जो इनबिल्ट होता है वो और एक्सटर्नल मतलब जो हम अलग से करवाते हैं वो क्लियर है इतना अब उसमें दो नाम और आते हैं प्राइमरी मेमोरी में फॉर एग्जांपल रैम एंड रोम इसमें फॉर एग्जाम्पल रैम एंड रोम ठीक है इसके बारे में हम पढ़ देंगे आगे आता है इसी चैप्टर में पर अभी सिर्फ हमें नाम याद रखना है फॉर एग्जाम्पल क्या आता है रैम एंड रोम तो उसी तरह से एक्सटर्नल मेमोरी में क्या आता है सीडी डीवीडी पेन ड्राइव नाम तो आपने सुना ही होगा ठीक है सीडी डीवीडी एंड पेन ड्राइव क्लियर है और भी पेन ड्राइव को हम यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं ठीक है यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसमें एक फोर्थ नंबर में भी आता है हार्ड डिस्क ठीक है इसमें चार आते हैं जो है एक्सटर्नल मेमोरी सबसे पहला आता है सीडी डीवीडी ठीक है फिर हार्ड डिस्क भी आता है हार्ड डिस्क इनबिल्ट होता है जो पेन ड्राइव है उसको हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं क्लियर है इतना फिर से एक बार देख लेते हैं हमारा तीसरा चैप्टर है स्टोरेज स्टैंडर्ड 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर 3 स्टोरेज अब स्टोरेज क्या है तो स्टोरेज इज अ काइंड टू स्टोर डेटा प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन टू स्टोर डेटा डिवाइस इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस देयर आर टू काइंड ऑफ स्टोरेज एरिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी एरिया ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी सेकेंडरी एरिया इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी फॉर एग्जाम्पल रैम एंड रोम एंड एक्सटर्नल इज हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी और यूएसबी ड्राइव इट्स कॉल्ड ऑल्सो पेन ड्राइव इतना क्लियर है ठीक है
तो हम अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई ये रैम और रोम कहाँ से बीच में आ गया, ये सब क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी मेमोरी। कौन सा हमने लिया है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी है उसका दूसरा नाम क्या है? मेन और इंटरनल मेमोरी। इसका दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी। अब उसमें भी दो पार्ट हम पढ़े थे, सबसे पहला है रैम जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम और रोम क्या है उसका ब्रीफ पढ़ लेते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is a temporary memory. Data, program or information is stored in RAM in the form of electrical pulses. Okay? अब इसको दूसरा क्या बोलेंगे? Temporary memory. क्या बोलेंगे? Temporary memory. Data and programs or information are stored in electronic pulses. ठीक है, ये याद रखना है। कैसे फॉर्म में किस तरह से डेटा स्टोर होता है? तो इन रैम द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस यूज टू डेटा स्टोर। डेटा और प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन रैम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। डेटा प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। क्लियर है इतना? ठीक है। Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as electrical power. अब इसमें स्टोर क्या होगा कहां तक? तो long as electrical power. ठीक है, उसकी एज कितनी है? तो जब तक इलेक्ट्रिकल पावर हमारा कंटिन्यू रहेगा तब तक वो स्टोर रहेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई बंद हो गया तो
तो इसका मतलब है कि उसमें जो डेटा स्टोर हुआ है वो क्या होगा, हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा, इफ देयर इज एन इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई और इफ यू एक्सीडेंटली स्विच ऑफ द कंप्यूटर यू विल लॉस ऑल द डेटा स्टोर इन रैम। ठीक है, पावर सप्लाई बंद हो गया मतलब पावर कट हो गया, पावर कट, और देयर आर नो मोर पावर सप्लाई और स्विच ऑफ द कंप्यूटर द डेटा लॉस या फिर लॉस। स्टोर्ड इन रैम, जो रैम में हमने डेटा स्टोर किया था वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं टेम्पररी डेटा स्टोरेज या फिर टेम्पररी मेमोरी। क्लियर है इतना? ठीक है, यहां तक रखते हैं, अभी और आगे पढ़ेंगे इसके बाद के वीडियो में।